ब्लॉग्स गाइड्स, इतने दिन बाद मैं ब्लॉग्स वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम मैं आया हूँ, इसमें बज रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आया हूँ इसमें प्रयागराज के संगम और प्रयागराज के घंटे आया हूँ जो कि गेट नंबर 4 से। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ एक VIP गेट मिलता है। एंड आपको यहाँ जब भी आएंगे आपको यहाँ पर चाय का स्टॉल्स भी है जहाँ आपको सुबह सुबह एकदम मस्त चाय मिलता है चाय पीने के लिए। एंड बंद मक्खन खाने मिलता है गाइस। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पर यात्री भी है और प्लस इसके अलावा आपको जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पार्किंग की सुविधा है, फैसिलिटी अवेलेबल है। आप फैसिलिटी भी अच्छा मिलता है यहाँ पे। प्लस इसके अलावा गाइस आप आने जाने का यहाँ सुविधा अगर देखेंगे तो यहाँ पे ई रिक्शा है, सामने टेम्पो है। एंड जस्ट इसके बगल में ही यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ओला राइडर भी यहाँ मौजूद होते हैं। जैसे देख सकते हैं सब ओला राइडर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाय कर रहे हैं हेलो। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइवेट में या शहर में पाना नहीं था, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑटो भी मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 24 आवर्स यहाँ पुलिस सिक्योरिटी भी यहाँ मौजूद होती है, देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पे है। प्लस इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको 4 द्वार मिलते हैं जिसमें से आप प्रवेश द्वार नंबर 1, नंबर 2A, 2B एंड 3 एंड ये 4। यहाँ पे आपको टोटल 4 से 6 द्वार मिलते हैं यहाँ पे, मतलब गेट मिलते हैं जो कि ये पड़ता है आपका मीराबाद के बगल में। और इसके अलावा स्टेशन के नियर बाय में आपको यहाँ पे शौचालय भी मौजूद मिलता है। इसके अलावा आपको गाइस एवरीथिंग यहाँ बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपके देखने लायक है। और आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप UP में आए हैं, इलाहाबाद में आए हैं और इलाहाबाद में घूमे तो क्या घूमें। सो फ्रेंड्स, अभी अंदर चले, अंदर का व्यू दिखाएंगे तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइज अंदर जाने पर एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप जब भी आप यहाँ पर उतरेंगे तो आप यहाँ पे आपको जब भी आप कहीं जाना रहेगा तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि पहले तो अगर आपको नियर बाई कहीं जाना है, अगर आप अकेले हैं तो आप ओला चॉइस करिए, मेरा बोलना है ओला या रैपिडो या उबर चॉइस करिए। अगर आपको कहीं मतलब फैमिली साथ में है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा बढ़िया टेम्पो आप चॉइस करिए। अगर आप 3-4 जन हैं तो आपको ई रिक्शा चॉइस करिए। अगर आप अकेले या 2 जन हैं तो आप ओला बाइक चॉइस करिए जो कि आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ओला राइडर्स हैं मीन्स समझ लीजिए इतना एक्टिव नहीं है ओला उबर, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइवेट जाते हैं तो उसकी तकलीफ़ नहीं है। आप प्राइवेट जो भी बोले आप गलत नहीं बोलेंगे, आपसे लोग जो फेयर लेते हैं वो प्रॉपरली फेयर लेते हैं। सो एक बार इनको भी चांस दीजिए, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अब अंदर का व्यू दिखाएंगे, अंदर का व्यू देखेंगे तो आप मस्त हो जाएंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे परमानेंट अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, बाकी और भी राइडर्स हैं यहाँ पे। सो आपको और भी दिखाते हैं, ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग पूरा साइड है यहाँ पे। एंड जस्ट इसके अंदर जाएंगे गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवासियों के लिए जगह बना हुआ है मस्त। इसके अलावा फुल CC कैमरा देख सकते गाइस लगा हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी ट्रेनें आती रहती हैं उसकी भी यहाँ पे टोटल अपडेट है यहाँ पे। एंड प्लस इसके अलावा यहाँ पे आप अगर किसी लेके आते हैं छोड़ने के लिए तो आप निःशुल्क यहाँ पे ड्रॉप एंड गो करके जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब 10 मिनट समय मिलता है। एंड इसके अंदर चलते हैं गाइस, यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर काम भी चालू है। और इसके अलावा अगर समझ लीजिए आपका ट्रेन थोड़ा लेट है या फास्ट है तो आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है रहने के लिए, सो आप यहाँ भी रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अंदर चलते हैं यहाँ से हम लोग। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का सीन, पूरा सीन देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, ये पूरा सीन है यहाँ का। यहाँ पे आपको कूली भी देख सकते हैं, आप कूली भी मिलेंगे यहाँ पे, मतलब आप आए कोई तकलीफ ना, कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे कि आपको कोई तकलीफ हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा है प्रयागराज स्टेशन जो कि सबसे भव्य है और सबसे सुंदर है। सो आपको दिखा दे रहे पूरा, देख सकते गाइस। एंड यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए मस्त यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आई हैव नॉट टिकट, सो विदाउट टिकट एंट्री करेंगे, बट दिखाएंगे पूरा व्यूज। सो गाइस, इस साइड से अपन एंट्री करते हैं लेकिन साइड से नजर आ पाए। ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अंदर साइड में सब फैसिलिटी है, यहाँ टिकट मिलता है। इसके अलावा यहाँ बैग चेकिंग होती है गाइस, और प्लस इसके अलावा यहाँ पे आपको हमेशा देखेंगे आपको नाइट में भी डे में भी हर समय यहाँ पे क्लीनिंग चलता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको
रेलवे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, आपको दिखाया जाता है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैप बनाया हुआ है, आप गाइस इससे पूरा ये पूरा मैप है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, रेल मैप ऑफ प्रयागराज रेलवे स्टेशन एंड ये यहाँ QR है, लैंग्वेज वीडियो ऑफ प्रयागराज स्टेशन। एंड देन गाइस इसके अलावा आपको यहाँ एक मस्त भी दिखाया जाता है गाइस, देख सकते हैं ये है वंदे भारत का बनाया हुआ पूरा डेकोरेशन है मस्त, जो कि आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मस्त पूरा भव्य बनाया हुआ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग दिन रात यहाँ क्लीनिंग काम करते हैं। तो चलिए गाइस आपको अब और दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ATM भी मिलता है, यहाँ पे ATM सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है हर समय यहाँ पे। एंड इसके जस्ट आगे जाएंगे तो आपको यहाँ प्रवासियों के यहाँ पे ठहरने की जगह भी है, इसके अलावा नॉर्मल खिड़की मतलब टिकट मिलते हैं यहाँ पे। और ये मस्त यहाँ पे व्यू है यहाँ पे, ये रेलवे इंजन का जो कि आप देख सकते हैं गाइस कितना मस्त दिख रहा है लाइटिंग में। सो मैं 2 मिनट होल्ड कर दिखाया था पूरा। एंड जब इसके बाहर चलते हैं अभी गाइस यहाँ से, आपको अंदर भी यहाँ पे भी शौचालय की व्यवस्था है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, शौचालय यहाँ पे भी है। देन टोटल गाइस आपको ये बताना था मुझे। सो होपफुली गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहना। तो आज 4 स्टेशन है, कल का जो भी वीडियो रहेगा वो छिड़की को लेकर रहेगा या किसी भी स्टेशन की, प्रयाग में। तो मैं प्रेजेंट टाइम में प्रयाग में भ्रमण कर रहा हूँ 2 दिन के लिए, इसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लास्ट सीन।